नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K12X 5G वर्सेस Samsung Galaxy M14 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो K12X में 6.52 इंच जबकि M14 4G में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो K12X में 2.99 इंच जबकि M14 4G में 3.06 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो K12X में 0.3 इंच जबकि M14 4G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि K12X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो K12X में 186 ग्राम जबकि M14 4G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि K12X से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो K12X में LCD जबकि M14 4G में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो K12X में 6.67 इंचेस जबकि M14 4G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन K12X में 720x1604px HD+ और M14 4G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो K12X में 85.29% जबकि M14 4G में 82.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो K12X में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M14 4G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो K12X में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M14 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो K12X में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M14 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो K12X में माली G57MC2 जबकि M14 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो K12X में MediaTek Dimensity 6300 और M14 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो K12X में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि M14 4G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो K12X में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M14 4G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो K12X में Android V14 जबकि M14 4G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी K12X में 5100 mAh जबकि M14 4G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
K12X में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M14 4G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,930 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो K12X 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M14 4G आगे है, मेन कैमरा में M14 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में K12X आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G0 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y58 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।